जिस विषय को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर आप सब के बीच आए हैं वो विषय है प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व जो इस राज्य में बिल्कुल अक्षम प्रतीत हो रहा है। 4 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच जिला अध्यक्षों का मनोनयन और फिर प्रदेश कमेटी का जो बना उस समय लगातार हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और अविनाश पांडे जी का जिन्होंने पुतला जलाया उसको प्रदेश के अध्यक्ष ने पद से नवाजा गया है। प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जिस जिला में के अध्यक्ष के चुनाव में अपना इंटरव्यू में जो कॉल हुआ था बुलाया गया था जो नहीं गए थे उनको सम्मानित किया गया। तो ये प्रदेश का जो नेतृत्व है वर्तमान में वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्य कर रही है। इस कारण हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और बहुत सारे लोग पूरे राज्य में जो कांग्रेस के हैं मैं खुद एक फ्रीडम फाइटर के घर से आता हूं। हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे हमारे घर के सारे लोग हम लोगों ने पूरा जीवन एनएसयूआई छात्र संगठन से लेकर अब तक इस पार्टी को दिया है पूरे ईमानदारी से दिया है कि संगठन कैसे मजबूत हो मगर आंखों के सामने अगर संगठन बिखरते चला जाएगा कैसे अक्षम नेतृत्व के साथ तो उसको हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस कारण हम लोगों ने उनके खिलाफ बोला और संगठन की मजबूती की बात की तो इस प्रकार का निर्णय जो कल आया है अनुशंसा किया गया है। जैसा किशोर जी ने बताया कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से बहुत जल्द और केंद्रीय नेतृत्व से मिलने वाले हैं तो हमें लगता है कि पूरी वस्तु स्थिति राज्य की जब बताई जाएगी यहाँ का ज्योग्राफिकल जो रहन सहन भाषा भूषी खान पान जो यहाँ के लोगों का है और इन्होंने बताया कि पिछले बार आदिवासी नेता के नेतृत्व में सबसे अधिक राज्य बनने के बाद कांग्रेस पार्टी सीट लाई थी उसको हम लोग कहीं से खोना नहीं चाहते और वर्तमान नेतृत्व उसको सिर्फ बिखेरने में और बर्बाद करने में पड़ी हुई है। इस कारण उनके खिलाफ जब हम लोगों ने बोला तो अनुशासन समिति और अनुशंसा किया गया है इससे कहीं पर कुछ नहीं है। हम लोग कांग्रेसी हैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी कांग्रेस की विचारधारा जो राहुल जी की सोच है कांग्रेस एक विचारधारा है उसको लेकर जन जन तक जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि जो कार्य नहीं करते हैं कांग्रेस में वो माननीय अध्यक्ष को सबसे अधिक पसंद है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार हम तीनों लोग इस राज्य में यहाँ के लोगों के लिए जो सेवा किया था और जो घर पे बैठे हुए रहे थे उनको पद से सम्मानित करने का काम किया था तो ऐसे लोगों से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो जो हमारे नेता राहुल जी खड़गे साहब सोनिया जी अविनाश पांडे हैं उनकी सोच के विपरीत छुपकर इस प्रकार का गलत निर्णय लेकर संगठन को कमजोर कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने बोला है। बहुत जल्द यहाँ के बहुत सारे लोगों के जो कांग्रेस के साथ है कांग्रेस के लिए वर्षों खटे हैं लंबे समय तक खटे हैं उन लोगों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे सोनिया जी से मिलेंगे राहुल जी से मिलेंगे अविनाश पांडे सर से मिलेंगे और यहाँ की जो वस्तु स्थिति है उनको बताने का काम हम लोग करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।